प्रज्ञा, आज जो हमने पूजा रखवाई है ना, उसमें और शादी की पूजा में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आज इस पूजा में तुम्हें घूंघट ओढ़ कर ही बैठना पड़ेगा दुल्हन की तरह। हाँ बेटा, अग्नि के सामने दुपट्टा रख के बैठना। ये गाड़ी यहाँ लगता है सब लोग मंदिर आए हैं। हाँ, यही आए होंगे। चल बैठो। चलो बेटा, अभी आओ बेटा। चलिए दीदी, आज आपकी दिल की मन्नत पूरी हो गई, पूरी फैमिली के साथ एक साथ पूजा करने की। मन्नत कुछ ज्यादा ही पूरी हो गई है मेरी, क्योंकि मैंने तो मन्नत मांगी थी अभी और प्रज्ञा की पूजा के लिए, और साथ में देखो ना पूर्व और दिशा की भी पूजा। इसके बाद क्या करने का प्रोग्राम? नहीं, कहीं घूमने का प्रोग्राम कर लेंगे उसमें। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ पापा जी, वो पिकनिक टाइप ना, सब लोग साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा, है ना? अच्छा है, पूरा परिवार एक साथ है। इनके साथ बाकी सबसे भी सवाल करूंगी कि वो सब मुझे इतनी आसानी से भूल कैसे गए। आप सब मुझे देखकर हैरान हैं या परेशान? क्योंकि मुझे जिंदा देखकर आप में से खुश तो कोई नहीं नजर आ रहा। और मुझे आप लोगों से सवाल करना। सबसे पहले मुझे आपसे जवाब चाहिए था।